नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं स्मृति। आज हम बात करेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को कोई फायदा होगा, क्या उसने खुद के पैर पे मार ली फिलहाल। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष इंडिया गठबंधन के तहत जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ है। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है और 3 बड़ी बैठकें कर चुका है, लेकिन गठबंधन के कोष्ठकों में शामिल दल अब आपस में ही टूटू-मैना करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की एक बैठक के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं ने जिस तरह से बयानबाजी की, उसके बाद सफाई देने के लिए वरिष्ठ नेताओं को सामने आना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। इंडिया गठबंधन को नई पहचान दशकों पुराने यूपीए की जगह मिली है। इस बीच हमें जानना जरूरी है कि विपक्षी दलों को नया गठबंधन क्या है, इस पर राजनीतिक दलों ने क्या प्रतिक्रिया दी और यूपीए से इंडिया तक गठबंधन का सफर कैसा रहा, नाम बदलने की वजह क्या हो सकती है। नाम बदलना कांग्रेस का यूपीए की छवि को दोबारा बनाने का तरीका भी हो सकता है, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा अक्सर वंशवाद की राजनीति और भ्रष्टाचार को लेकर यूपीए का मजाक उड़ाती रही है। पीएम ने बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक का जिक्र करते हुए कहा था, जब वे सभी एक फ्रेम में दिखाई देते हैं तो देश को केवल भ्रष्टाचार दिखाई देता है, लोग इसे भ्रष्टाचार का गठबंधन कहते हैं। अगर बात की जाए कांग्रेस की तो उसे समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आए दिन देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस कई छोटी पार्टियों से दबती जा रही है। अगर कांग्रेस आज भी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ती है तो कई सीटें हैं जहां उनके जीत की संभावना आज भी बरकरार है, लेकिन गठबंधन के कारण उन्हें कई सीटों का त्याग करना पड़ा। कई ऐसे जगह हैं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों की 235 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा आज भी भारी है। एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा सहित दक्षिण राज्यों में इंडिया में शामिल दूसरी पार्टी का कोई खास जनाधार नहीं है, ऐसे में इन सीटों पर कांग्रेस का दावा मजबूत। विपक्षी दलों की बैठक में 10 दल ऐसे थे जिनका सांसद के दोनों सदनों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इनमें PDP, CPIF, ML, MMK, MDMK, VCK, RSE, केरला कांग्रेस, KMDK, अपना दल समेरावादी, AFIB शामिल है। इसके अलावा राजद रालोद का भी लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आए दिन देखा जा रहा है कि राहुल गांधी का लालू यादव के साथ काफी दमदार है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में कांग्रेस को इस गठबंधन से फायदा होगा या सचमुच में उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।